सम्राट आज भी अपने अतीत को याद करके बड़े दुखी होते हैं कि उनके हाथ से किसी निर्दोष की हत्या हो गई। अरे ये हरा भरा पेड़ कैसे गिर गया? ठहरिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पेड़ को अलग करने में ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो? उस बूढ़े आदमी ने सच कहा था, तुम लुटेरों में से एक हो और शमशान रास्ते पर लोगों को लूटते हो। अब तुम सब जान ही गए हो तो तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है सब हमें दे दो। बिच्छू महाराज की जय हो। महाराज, हमारा सैनिक जो राजदूत बन के सम्राट कुंभा के दरबार में गया हुआ था, वह हमारा सैनिक सम्राट कुंभा द्वारा ही मारा गया है। वो कैसे करका? महाराज, हमारे सैनिक को जो भाला लगा हुआ है उसे सिर्फ सम्राट कुंभा के सैनिक ही रखते हैं। करका, यह प्रमाणित हो चुका है कि हमारे सैनिक को उन्होंने ही मारा है, तो उन्हें जल्द से जल्द जवाब दो। ऐसा ही होगा महाराज। तुम्हारे पास जो कुछ भी कीमती चीज है जल्दी से जल्दी निकाल के दो हमें। सम्राट के पास समय कम था, इसलिए वे अपनी मुद्राओं से भरी थैली उन लुटेरों को दे देते हैं और फिर वे घोड़े पर सवार होकर जाने लगते हैं। किधर जा रहे हो? हमें तुम्हारा घोड़ा काफी पसंद आया है, उसे भी छोड़कर जाओ। ये सुनकर सम्राट समझ जाते हैं ये लातों के भूत हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। फिर भी सम्राट उनसे कहते हैं, मुझे एक जरूरी काम के लिए लंबा सफर तय करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्या तुम हमसे युद्ध करोगे? हम इतने सारे हैं और तुम अकेले मारे जाओगे, इसलिए ये घोड़ा छोड़ो और चलते बनो। इतना कहने के बाद भी जब लुटेरे नहीं मानते हैं तो सम्राट को मजबूरन अपनी तलवार निकालनी पड़ती है। उसने तो चार प्रहार किए थे ना, चौथा प्रहार किसको लगा? अरे कमबख्तों, चौथा प्रहार मुझे